फ्रेंड्स गुड इवनिंग, आज है 17 अक्टूबर 2019 और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RDH सर और मैं हूँ राजेश डियाजारे। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे मोबाइल में कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कि KBC का प्ले अलॉन्ग ऐप जो है वो सोनी लिव ऐप में ओपन किया हुआ है और आज 17 अक्टूबर को हमारी जो रैंकिंग है वो सबसे पहले आपको रैंक दिखा दूँ, उसके बाद में हम आज खेलेंगे डेली क्विज। तो ये मेरा जो रैंक है, रैंक आपको दिख रहा होगा जो है मेरा अभी 50 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं अंक, तो 52,53,360 अंकों के साथ हमारी जो रैंक है वो है 1674 रैंक। और कल जो गौतम कुमार झा जी खेले थे और कल गौतम कुमार झा जी ने ओरिजिनल लाइव शो में उन्होंने 1 करोड़ रुपये जीते हैं और 1 करोड़ और 7 करोड़ के सवाल उस वक्त जो है आ चुके थे और उस वक्त कल का जो पूरा शो है पूरे के पूरे सवालों के मेरे जवाब सही थे। बस 25,000 वाला जो एक 25 लाख वाला जो सवाल था वो उसका जवाब हमारा थोड़ा गलत हो गया था, तो वो हम नहीं दे पाए थे उसका जवाब। और अभी आज देख सकते हैं आप डेली क्विज का पहला क्वेश्चन हमारा ओपन हो गया है, इसका आंसर हम देते हैं। इस कढ़ाई को पहचानिए, ये सवाल है, ये इमेज क्वेश्चन है और इसके विकल्प है चिकन, गोटा, कांथा और कशीदा। ये मुझे चिकन लग रहा है, कन्फर्म नहीं पता इसका जवाब मुझे, पर ये जवाब सही है। क्या बात है। और आपको देख सकते हैं आपको हमको सब अंक मिल चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं या अगर रिपीट यूज़र है और सब्सक्राइब अगर इस चैनल को अब तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक या आपका एक सब्सक्राइब हमको हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अगला सवाल आ चुका है चंदेरी, महेश्वरी और पैठनी, ये सभी किसके प्रकार है। पैठनी सवाल लिखा है तो ऑब्वियसली ये साड़ी के प्रकार है, तो ये साड़ी इसका सही जवाब होगा क्योंकि पैठनी साड़ी होती है। और तीसरा सवाल आ चुका है इनमें से कौन सा प्राणी चिकनगुनिया विषाणु का मुख्य रोगवाहक है। इसका भी जवाब बिल्कुल इजी है, इसका जवाब है मच्छर मिस मॉस्किटो, जिसकी वजह से चिकनगुनिया जो है वो बीमारी होती है, चिकनगुनिया होता है। क्या बात है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 300 सवालों के 300 अंक हमारे रेडी हो चुके हैं और अगला सवाल आ चुका है, चौथा सवाल है ये, 2018 की हिंदी फिल्म वीरे दी वेडिंग के निर्देशक कौन है। वीरे दी वेडिंग शशांक घोष होना चाहिए, रिमोट डिसूजा नीरज पांडे, विक्रम भट्ट मुझे नहीं लग रहे, शशांक घोष होना चाहिए मेरा अंदाज सही है ये। क्या बात है। और 400 अंक हमको मिल चुके हैं, तो दोस्तों बस ऐसे ही आप खेलते रहते जाइए और साथों साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल आया है यह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। यह नीचे जो डिज़ाइन है इस ड्रेस की वो गोल कर इसकी है, मुझे ये मणिपुरी लग रहा है। अभी भी जो ऑप्शन तो आए हैं पर मैंने देखा नहीं, वो मणिपुरी कंफर्म मुझे लग पता है इसका आंसर मणिपुरी होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक के तौर पर ये याद रखा हूँ कुछ ड्रेस की बनावट से, कुछ मुद्राओं जो डांस करते वक्त जो रहती है उसकी। अगला सवाल है ताजमहल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। 15वीं 14वीं 16वीं 17वीं 17वीं शताब्दी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये भी सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, आगरा में है ताजमहल, आपको पता होगा। और अगला सवाल है एनीमिया मुख्य रूप से इनमें से किसकी कमी के कारण होता है। एनीमिया प्रोटीन, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट और आयरन, आयरन की कमी से जो है ये एनीमिया होता है, तो आयरन सही जवाब होगा इसका। क्या बात है। 700 सवालों के 700 अंक हमको मिल चुके हैं, आखिरी के 3 सवाल बाकी है और तीसरा सवाल भी आ गया है। ये तो पक्का मलखम है, यह किस पारंपरिक खेल का अभ्यास कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो मलखम है, दिख ही रहा है, ये मलखम सही जवाब होगा इसका। हमको फिर से हमको सवाली क्रेडिट हो गए, आखिरी के 2 सवाल बाकी है, आखिरी के 2 सवाल है दोस्तों। देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जो ओपन हुआ है, इनमें से किस राज्य के साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, नहीं लगती है लिखा है, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, कर्नाटक के साथ भी लगती है, महाराष्ट्र के साथ भी लगती है, ओडिशा के साथ नहीं लगती, मतलब ओडिशा इसका सही जवाब होगा बिल्कुल। और आखिरी सवाल आ रहा है, बिल्कुल आखिरी सवाल है ये जो आएगा अभी, आखिरी सवाल है मार्च 2018 में नेपियू रियो किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। आपको पता होगा नेपियू रियो जो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री है, नागालैंड बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए इसका। बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं हमारे 1000 अंक क्रेडिट हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो 1000 अंक हमारे क्रेडिट हो चुके हैं और अभी हमारी रैंक एक बार फिर से हम आपको दिखा दें क्या हुई, हालांकि थोड़ी बहुत तो सुधरी होगी। खैर अभी ये 1659, तो हमारे 1000 अंक बढ़कर 1659 हमारी रैंक है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बस हम फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस है वीडियो के वो आप पर समय समय पर पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में,
धन्यवाद।